ए नीतीश कुमार भैया, ए तेजस्वी, ये मनीष कश्यप आने वाले दिन में तो हर सरकार गिरा देगा। निकम्मी सरकार, ये निकम्मी सरकार है, ऐसे सरकारों को चुल्लू भर पानी दूंगा, अपना नाक डुबा के मर जाए ये सरकार। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो लंगड़ी सरकार हो। ये इन्हें क्या पता ईमानदारी क्या होती है। बाप मुख्यमंत्री था, उसी चक्कर में उप मुख्यमंत्री बन गए। अगर इनकी औकात है तो उत्तर प्रदेश में चल के एक विधायकी का चुनाव जीत के दिखा दे, ये दोनों चाचा भतीजी, मैं मान जाऊंगा। चाहे बिहार के लोग पानी में डूब के मर जाए बाढ़ में, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन सीएम बनना है मुझे। मुझे सीएम बनना है कि भैया 10,000 नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 10,000 नौकरी ये कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। वो तो ऐसे नेता नौकरी नहीं, 10 लाख। हाँ हाँ, 10,000 ही मिल जाए, 10 लाख तो छोड़ो, मैं 10,000 कह रहा हूँ। नीतीश कुमार की और ये इसकी तेजस्वी यादव की, ये जो किस बेसिस पे कर रहे हैं? पलटू राम ने जो सरकार जो बना रखी है, ये पलटू राम कौन भला? अरे ये नीतीश कुमार, इन्होंने जो सरकार जो बनाई है चाचा भतीजे ने मिलके, ये सरकार इनकी बहुत जल्द गिरेगी। जिस दिन मनीष कश्यप जेल से आया उस दिन इनकी सरकार गिरी। किस बेसिस पे बोल रहे हैं? किस बेसिस पे? भाई जनता का सपोर्ट है और ये भारत है, जनता जिसके साथ में है ना वही राज करेगा, जनता जनाजन। ये भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, जिसके जिसके पास में जनता का सपोर्ट है ना, चाहे वो एंकर हुआ या वो पत्रकार है या कोई एक्टर है या कोई नेता है, जिसके पास में जनता का सपोर्ट है ना, उसके उसके पास में सारी पावर है और वही राज करेगा। और इनको अब कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, ना ही लालू प्रसाद यादव को है, ना ही नीतीश कुमार को है, और ना ही ये इसको तेजस्वी यादव को है। एक बात, नीतीश कुमार तो पीएम मटेरियल है, उसको बिहार में लोग कह रहे हैं कि वो पीएम बनेंगे। पीएम मटेरियल नहीं है वो, पीएम मटेरियल सुनो, वो अभी कुछ दिन के बाद में सीएम मटेरियल भी नहीं रहेंगे, अभी देखना। अभी आप थोड़े बच्चे हो क्या? आप बच्चे हो क्या? पढ़े लिखे तो हो गए पीएम बनने के लिए? 20-20 विधायक बना के पीएम बन जाएगा कोई? तैसे तो कोई भी पीएम बन जाएगा, आप काहे नहीं बन जाते हैं? वही तो कह रहा हूँ, हम भी ऐसे तो पीएम बनने के सपने देख रहे भैया, हम भी, हमें भी बना दो, हम भी 20 विधायक ला देते हैं। 20 विधायक तो हम भी ला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है 20 विधायक लाना। तो 20 विधायक अगर जो ला के वो पीएम का सपना देख रहा है, तो ऐसे तो बहुत पीएम पड़े। 8 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, मोदी जी से भी ज्यादा। ए नीतीश कुमार भैया, ए तेजस्वी, ये मनीष कश्यप आने वाले दिन में तो हर सरकार गिरा देगा, देखत रहो तुम, इसको हल्के में मत लो। पूरे बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार के लोगों का जो जाति हुई है, जो अत्याचार हुआ है इन चोर नेताओं की वजह से, वो अब बंद होगा। क्योंकि मनीष कश्यप ही है जो लोगों की भावनाओं को समझते हैं। मनीष कश्यप को क्या पड़ी थी? पढ़ा लिखा था, कहीं भी जाके ऑफिस में बैठ के नौकरी कर सकता था, 30-40 हजार की नौकरी कहीं नहीं थी। मनीष कश्यप क्यों कैमरे ले लेके नाली गली कूचड़ छत पंखा तार सब पकड़ते थे? क्यों? उन्हें बिहार के लोगों की फिक्र थी। जो बिहार के लोग टैक्स भरते हैं, जो पैसा जाता है सरकारी खजाने में, वो जब पैसे आते रोड बनने के लिए, जो ठेकेदार आधे पैसे खा जाते हैं और आधे पैसे की गिट्टी लगती है, आधे पैसे का डामल, और जाओ ऐसे मार दो रोड पर तो ऐसे धुआं धुआं उड़ेगा रोड। तो ऐसे विकास हुआ बिहार में, जहां से तेजस्वी यादव का विधानसभा है, जो उनका बूथ है पहला बूथ, वहां पे एक प्राथमिक विद्यालय जर्जर हो रखा है। बिहार में बताओ अपनी विधानसभा में तुम एक स्कूल नहीं बनवा पा रहे हो, तो हम क्या हमें उम्मीद रहेगी इनसे? तो हमें तो सीधा यही कहना है, हम एक ईमानदार नेता चुनेंगे, ऐसा नेता जो लोगों का विकास करे, लोगों की मजबूरी समझे और लोगों के लिए काम करे। हमने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद जनता इनके पीछे पीछे घूम रही है कि भैया 10,000 नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 10,000 नौकरी ये कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है। वो तो ऐसे नेता नौकरी नहीं, 10 लाख। हाँ हाँ, 10,000 ही मिल जाए, 10 लाख तो छोड़ो, मैं 10,000 कह रहा हूँ। मतलब ज्यादा उन्होंने पढ़े लिखे कम है ना, तो जीरो लग गया होगा गलती से, 10,000 दे दे बहुत है। बिहार के लोग आज भटक रहे हैं जाके, हिंदुस्तान के हर हर प्रांत में जाके भटक रहे, सिर्फ क्यों? दो वक्त की रोटी के लिए, पेट पालना है। उन्हें कोई महल नहीं खड़ा करना दिल्ली बंबई कलकत्ता में, उन्हें सिर्फ पेट पालने के लिए भटक रहे। उनको दो वक्त का रोजगार और रोटी बिहार की सरकार नहीं दे पाई। निकम्मी सरकार, ये निकम्मी सरकार है, ऐसे सरकारों को चुल्लू भर पानी दूंगा, अपना नाक डुबा के मर जाए ये सरकार।
ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो लंगड़ी सरकार हो, जिसके दो पांव टूट गए हो, दो ही पांव पे चल रही है, शराब पिला रही है, शराब माफिया इनको पैसे दे रहे हैं, ये इन्हें क्या पता ईमानदारी क्या होती है। बाप मुख्यमंत्री था, उसी चक्कर में उप मुख्यमंत्री बन गए। अगर इनकी औकात है तो उत्तर प्रदेश में चल के एक विधायकी का चुनाव जीत के दिखा दे, ये दोनों चाचा भतीजी मैं मान जाऊंगा। इनका तो भैया पीएम बनना है, प्रधानमंत्री, चलो केजरीवाल से भेंट कर ले, क्या पता उसको हाथ रख दे, कैंडिडेट बन जाए। तो ममता बनर्जी से क्यों नहीं किए, केसीआर से क्यों नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव से क्यों नहीं कर रहे हैं, एमआईएम चीफ से क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब इनके बिना सपोर्ट के कैंडिडेट बन जाओगे। सीएम हो सीएम सही है, तोड़ जोड़ करके बने रहो सीएम जब तक हो, यही तुम्हारी है, कोई विकास नहीं करना है, बस सीएम कैसे बनना है, सीएम इसको दो सीट काटो, इसको चार सीट दो, सीएम बनना इनका ख्वाहिश है, ये चाह रहे हैं कि जब तक जीऊं सीएम बना रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। कहना है कि नीतीश कुमार बिल्कुल मास्टरमाइंड है, नीतीश कुमार मास्टरमाइंड है सीएम बनने की रेस में, उनके जैसा कोई नेता नहीं हुआ, जो कि कुछ भी हो जाए, चाहे बिहार के लोग पानी में डूब के मर जाए बाढ़ में, चाहे भूखे मर जाए, लेकिन सीएम बनना है मुझे, मुझे सीएम बनना है, चाहे तेजस्वी को पकड़ लाओ, चाहे मोदी को से समर्थन ले लो, लेकिन मुझे बनना सीएम ही है। अब चलो पीएम की ख्वाहिश हो रही है, पीएम बन जाऊं, क्या पता अब कांग्रेस बनाई दे पीएम कैंडिडेट, क्या पता केसीआर हाथ रखी दे, क्या पता मायावती अखिलेश खुश होके सपोर्ट करी दे। तो पीएम की इतनी ख्वाहिश मैंने नहीं देखी थी किसी नेता को, ये अपना अपमान करा रहे नीतीश बाबू। ठीक है ठीक है। बिहार से कौन कौन लोग हैं, कोई बात करने वाले हैं बिहार से? बिहार से हैं आप, तो बोल का ही नहीं रहे आप। बिहार से नहीं है, देखिए मैं तो पूर्वांचल से बना रहा है ना, पूर्वांचल से। अच्छा एक बात बताइए कि जो बिहार में हो रहा है, मनीष कश्यप को जानते होंगे, उनको जेल में बंद कर दिया गया है, कहा गया कि मनीष कश्यप के बयान से, उनके वक्तव्य से दंगा भड़क सकता था, इसलिए उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। आपको लग रहा है कि सही किया है बिहार सरकार ने? नहीं देखिए, बिहार सरकार की मैं नीतियों को नहीं मानता हूँ, क्योंकि बिहार सरकार की नीति गलत है, क्योंकि मनीष कश्यप एक शिक्षा वो कुछ भी हो बिहार के लिए काम किया पत्रकारिता जगत में उन्होंने, जी बिल्कुल गलत है जो वहाँ की बिहार सरकार गलत निर्णय ली है। अच्छा बिहार सरकार तो बराबर योगी आदित्यनाथ पे भी सवाल उठा रही है, तो आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाना उनका जायज काम है? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने वाला कोई भी है ही नहीं, क्या बाकी जो सवाल उठा रहा है सबसे बड़ा मूर्ख है, चाहे वो कोई भी हो, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक स्वच्छ और सुंदर, चाहे वो शिक्षा हो चाहे गुंडा राज हो, सब कुछ आज समाप्त हो चुका है। शिक्षा के देखेंगे आप तो शिक्षा में बहुत ही मजबूती से काम रहा है उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज शून्य पे आ गया है। अच्छा कई नेताओं का कहना है जो उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल है, कोई मतलब पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरस्त है वहाँ पे। नहीं गलत बात है, कहाँ कह रहे हैं आप, परसों ही हुआ है। नहीं नहीं कोई बात, अतीक को पुलिस के उसमें मार दिया गया है। नहीं देखिए जैसा करेंगे तैसा होगा। हाँ कुछ दिन पहले लोग बोल रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, अरे 15 मिनट पुलिस थोड़ा साइलेंट हो गई थी तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ, जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल 15 मिनट नहीं, हमें लग रहा है 50 सेकंड साइलेंट हुई थी। हाँ वही मान लीजिए आप, क्योंकि आप पत्रकार हैं कुछ भी कह सकते हैं। हाँ नहीं नहीं हम नहीं कुछ कह सकते हैं, हम आपसे राय ले सकते हैं। और